हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल सॉल्यूशन। लेटेस्ट अपडेट के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि NREGS का जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। मतलब कि अभी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि पहले सिर्फ NREGS सॉफ्ट था, उसके बाद भुवन पोर्टल आया, उसके बाद अभी सिक्योर आया, फिर GIS प्लानिंग भी इंक्लूड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसको जानना ज़रूरी है कि वो स्कीम किस स्टेज में है। मतलब कि वो NREGS सॉफ्ट में है या फिर वहाँ से सिक्योर सॉफ्ट में गया है या फिर भुवन पोर्टल में गया है जियो टैगिंग के लिए। तो कौन से स्टेज में है आपका वर्क, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी काम को शुरू करने से पहले। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप इस डेटा को ट्रैक कर सके, मतलब कि आपका स्कीम NREGS सॉफ्ट में है या सिक्योर सॉफ्ट में है या भुवन पोर्टल में गया है, ये डेटा आपको कहाँ से मिल सके, यही मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को एकदम आखिर तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें NREGS.NIC.IN पे जाके हमें MIS रिपोर्ट में जाना है। तो ये पुराना जो NREGS का साइट है उसमें आपको जाना है और उसके बाद MIS रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मेलिटी आता है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद स्टेट सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए R6 पे आपको जाना है, मतलब कि वर्क्स पे आपको जाना है। देखिए यहाँ पे R6 आ चुका है और उसके बाद R6 में जो 24 नंबर ऑप्शन है, स्टेटस ऑफ वर्क्स, शेयर टू, सिक्योर और भुवन, ये 24 नंबर का जो डेटा है, ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। ब्लॉक सिलेक्ट करते ही GP वाइज आपका डेटा आ जाएगा आपके सामने। तो पहला वाला जो GP है वो मेरा GP है, तो इसके जो डेटा है इसको हम एलाबोरेटली देखेंगे। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ वर्क्स सेंड टू सिक्योर सिस्टम फॉर ऑनलाइन एस्टिमेट, मतलब कि कौन कौन सा स्कीम आपका NREGS सॉफ्ट से सिक्योर सॉफ्ट में इंपोर्ट हुआ है एस्टिमेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे 15 दिखाई दे रहा है, 15 के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो स्कीम डिटेल्स भी आपको दिखाई देगा कि स्कीम नेम, वर्क कोड, सारा कुछ आपको दिखाई देगा कौन कौन से स्कीम सिक्योर सॉफ्ट में इंपोर्ट हुआ है एस्टिमेट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, फिर बैक कीजिए, फिर जो नंबर 2 आता है, नंबर ऑफ वर्क्स कंज्यूम्ड बाय NREGS सॉफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम सिक्योर, मतलब कि सिक्योर सॉफ्ट से कौन कौन सा स्कीम AS अप्रूव होके वापस से आपके NREGS सॉफ्ट में आ गया है डिमांड एलोकेशन एंड मास्टर जनरेशन के लिए। और यहाँ पे देखिए 9 दिखा रहा है, मतलब कि जो 15 स्कीम सिक्योर सॉफ्ट में इंपोर्ट हुआ था उनमें से 9 स्कीम एस्टिमेट हो चुका है, उनका AS अप्रूवल हो चुका है और वो वापस से NREGS सॉफ्ट में आ गया है मास्टर जनरेशन के लिए। और अगर नंबर 9 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उन 9 स्कीम्स का डिटेल्स भी आपको दिखाई देगा, उनका नाम, वर्क कोड वगैरह आपको दिखाई देगा, डिटेल्स आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि GISGP के लिए कैसे NREGS सॉफ्ट से सिक्योर सॉफ्ट में स्कीम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, फुल प्रोसेस वहाँ पे दिखाया है मैंने। चलिए अभी हम यहाँ से बैक करते हैं
अभी देखिए जो थर्ड डेटा है वो है नंबर ऑफ वर्क्स सेंड टू भुवन फॉर जियो टैगिंग, मतलब कि जो नौ स्कीम आपका सिक्योर से एनआरजीएस ऑफ में वापस आया है एएस अप्रूव होके, उनमें से कितना स्कीम जियो टैगिंग में सेंट हुआ है। बिफोर जियो टैगिंग का जो पिक्चर आपको जियो टैग करना होता है बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क, तो कितना स्कीम भुवन पोर्टल में भेजा गया है इसका डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर भी 9 दिखा रहा है, मतलब कि जो 9 स्कीम आपका एएस अप्रूव हुआ है वो सारे स्कीम, मतलब कि 9 स्कीम ही आपका जियो टैगिंग के लिए सेंट हो गया है भुवन पोर्टल में। तो यहाँ पे अगर 9 के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए उन 9 स्कीमों का डिटेल और नेम वर्क कोड आपको यहाँ पे शो करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका स्कीम को ट्रैक करने के लिए। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो पॉइंट था नंबर ऑफ स्कीम सेंड टू सिक्योर, मतलब कि एनआरजीएस ऑफ से कितना स्कीम आपका सिक्योर में गया है, वहाँ पे 15 दिखा रहा है, मतलब कि 15 स्कीम एनआरजीएस ऑफ से सिक्योर ऑफ में गया है। हालांकि मेरे एक्शन प्लान में 100 के ऊपर स्कीम्स है, तो बाकी सारे स्कीम मतलब कि 85 प्लस जो स्कीम्स है वो अभी तक सिक्योर सॉफ्ट में नहीं गया है, एनआरजीएस सॉफ्ट से सिक्योर सॉफ्ट में नहीं गया है। तो उन सारे स्कीम को हमें प्रॉपर जो प्रोसेस है मैंने अपने पिछले वीडियो में जो दिखाया था, उस प्रोसेस से हमें एनआरजीएस सॉफ्ट से सिक्योर सॉफ्ट में ले जाना है, तभी सारे स्कीम का रिपोर्ट यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका स्कीम को ट्रैक करने के लिए किस पोजीशन में आपका स्कीम। तो ज़्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों हमारा स्कीम अभी तक सिक्योर में नहीं आया है एनआरजीएस ऑफ से, या फिर क्यों अभी तक हमारा स्कीम एएस अप्रूव होने के बाद भी क्यों जियो टैगिंग के लिए नहीं आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो आज के वीडियो की मदद से मैंने उन सारे क्वेश्चंस का थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो और एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।